हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विवेक। मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ 2019 से। मैं आप लोगों की हेल्प करने आया हूँ। पेपर जनरल स्टडीज़ 2, सब्जेक्ट पॉलिटी, चैप्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इस चैप्टर के अंदर मेनली दो चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। आर्टिकल 13 ये हमें बात बताता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी ऐसा ऑर्डर, एक्शन, लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट लेकर आती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर देगी, उसे अल्ट्रा वॉयस डिक्लेयर कर देगी। और जो हमारा आर्टिकल 368 है वो हमें ये बताता है कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड, कि वो कोई सा भी सेक्शन को अमेंड कर सकती है। और किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। अब सवाल ये होता है कि क्या आर्टिकल 368 हमारे आर्टिकल 13 को भी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है या नहीं है, या फिर 13 ज़्यादा हैवियर पड़ता है आर्टिकल 368 के ऊपर। सो इसके बारे में हम धीरे धीरे से स्टडी करेंगे, और मेनली हमारी स्टडीज डिपेंड होगी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट हमें क्या बात बोलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड्स व्हाट इज ऑन माय स्क्रीन, पार्ट 13 आर्टिकल 16, व्हाट इज इट्स। एनी ऑर्डर, एक्शन, लेजिस्लेशन, अमेंडमेंट विच वायोलेट्स अब्रिजमेंट कॉन्ट्रोविक्शन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एज अल्ट्रा वॉयस एज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो हमारा पार्ट 3 है मेनली डील करता है ये हमारे फंडामेंटल राइट से। तो ये जो आर्टिकल 13 है ये हमारे फंडामेंटल राइट जो कहाँ से शुरू होते हैं, आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 32 तक, उनको प्रोटेक्ट करता है। और आर्टिकल 368 हमें बताता है कि पार्लियामेंट के पास कितनी अमेंडिंग पावर्स हैं। अमेंडिंग पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड है या फिर नहीं है, और उसमें ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 368 के अंदर कि जो पार्लियामेंट है किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। तो इसका क्या मतलब ये भी है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है या नहीं। हम फंडामेंटल राइट्स को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आवर फंडामेंटल राइट्स? हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है? इक्वालिटी है, फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आज के टाइम पे, वरना आज का टाइम और आज़ादी से पहले वाले टाइम में शायद ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। सो लेट्स स्टडी। सो हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368, और इसका जवाब क्या निकल के आता है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारी स्टोरी जो शुरू होती है वो इंडिया से होती है 1950 के टाइम से, कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था और हमारे पीएम को इलेक्ट कर लिया गया था, पहले जनरल इलेक्शंस जब हमारे हो गए थे, तो उस टाइम पे क्या था कि जो हमारे प्रेसिडेंट के पीएम नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और उनको डेवलपमेंट करनी थी इंडिया के अंदर, तो उन्हें लैंड चाहिए था। लेकिन जो भी लैंड था वो किसके पास था? जमींदारों के पास था। और जो जमींदार थे वो डिमांड कर रहे थे कि अगर आपको हमारे से लैंड चाहिए तो आपको 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स इतना ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा उस लैंड के लिए। अब लैंड ज़रूरी है क्योंकि उन्हें डेवलपमेंट करना है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना है और भी बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि ज़मींदारों के होने की वजह से भी शायद से इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि ज़मींदारों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही बहुत सारा लैंड ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था, तो उन्हें ये इक्विवेलेंट करना था। तो जो हमारे पीएम नेहरू हैं वो एज ए स्टेट डील करेंगे और जो जमींदार है वो सिटीजन डील्स करेगा। तो नेहरू जी एग्री नहीं होते हैं इस बात पे। इफ नेहरू पास इफ कॉन्स्ट इफ जवाहरलाल नेहरू पास
अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच वायलेट्स आर्टिकल 13, देन लॉ कोर्ट्स विल स्ट्रक डाउन, कि अगर वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 13 था, लैंड एक्विजिशन लॉ जो पहले था अब नहीं है, तो अगर नेहरू जी इसको अमेंड करते हैं तो वो एक तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स को टच कर रहे हैं, और जैसे ही वो टच करेंगे तुरंत बाद ही सुप्रीम कोर्ट इसमें एक ऑर्डर पास करेगा और वो ये कह देगा कि आपने फंडामेंटल राइट्स को टच किया है, हम आपका ऑर्डर को, हम आपके अमेंडमेंट को अल्ट्रावाइज डिक्लेयर करते हैं। तो नेहरू, तो इसके इसका जवाब दिया था नेहरू और अंबेडकर जी ने, पासिस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1950, और उस अमेंडमेंट के अंदर ये था कि उन्होंने तीन आर्टिकल, दो आर्टिकल इंसर्ट करे, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B। आर्टिकल 31A के अंदर उन्होंने बोला था लॉ फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म फॉर द बाय द गवर्नमेंट एवरेज फंडामेंटल राइट, मतलब कि उन्होंने बताया था कि लॉ, क्योंकि उन्होंने लैंड चाहिए था तो उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए लैंड चाहिए था तो उन्होंने लॉ बनाया था, और उसमें 31B ये लिखा था कि एनी लॉ मेड इन 9th स्केड्यूल कैन नॉट बी चैलेंज बाय द कोर्ट्स, और 9th स्केड्यूल क्या था, इसको कोर्ट्स सी नहीं कर सकते क्योंकि पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ बना दिया कि आप जो कोर्ट्स हैं वो इसको चैलेंज नहीं कर सकते, आप किसी भी कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते, तो कोर्ट्स इसको देख भी नहीं सकते हैं, इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं दे सकते हैं रिलेटेड। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हमारे पास केसेस निकल कर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इसके बारे में हमें समझाते हैं कि कौन बड़ा है, आर्टिकल 13 बड़ा है या आर्टिकल 368 बड़ा है। तो अभी तो हमें शुरुआत में यही पता चल रहा था कि जो हमारे पीएम हैं उन्होंने हमारे एक फंडामेंटल राइट को कैप्चर किया था, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे के जजमेंट में उसको सही ठहराता है या गलत ठहराता है। तो बेसिकली हम देखा जाए तो आर्टिकल 13 और 368 के बारे में बात चल रही है। तो अब पढ़ते हैं आगे, पहला केस आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लीगल है और वैलिड है, लीगल और वैलिड है तो पार्लियामेंट जीत गया, तो आर्टिकल 368 जीत गया, आर्टिकल 13 हार गया, मतलब सिटीजन्स की हार हुई, पार्लियामेंट की जीत हुई, सिटीजन्स हारे स्टेट जीते। फिर उसके बाद सेकंड जो इसका राउंड होता है उसके अंदर आते हैं हम 1964 सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। सुप्रीम कोर्ट ने अगेन अपने डिसीजंस को अपहेल्ड रखा कि आर्टिकल 368 सही है, आर्टिकल 13 मतलब कि आर्टिकल 368 हमारे फंडामेंटल राइट्स को कैप्चर कर सकता है और आर्टिकल 13 उसमें लॉस हो जाता है, उसका वो हार जाता है। फिर इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं जो हमारा तीसरा केस होता है गोलक इन 1967 गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द पार्लियामेंट रूल्ड सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द पार्लियामेंट कुड नॉट कर्टेल एनी फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बार किस केस में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने ये समझा कि पार्लियामेंट सब कुछ कैप्चर नहीं कर सकता है, एग्जाम्पल डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस, ये बताता हूँ मैं अभी क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो पार्लियामेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट को कैप्चर नहीं कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को अगर वो कैप्चर करेगा तो उसके बाद हम उसको स्ट्रक डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे जीत किसकी हुई, पहली बार किसकी हुई, हमारे सिटीजन्स के राइट्स की हुई, फंडामेंटल राइट्स की हुई 1967 में। तो ये जो, अब देखो ये जो लॉ बनाया गया था, ये जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट से, ये प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशंस में लागू होती है, मतलब कि अब जो भी फ्यूचर में कोई सी भी जजमेंट आएगी, कोई सा भी आर्टिकल आएगा पार्लियामेंट की तरफ से, अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज करता है तो कोर्ट उसको
अल्ट्रा वायस डिक्लेयर करके स्ट्रक डाउन करेंगी जो पहले से हो चुकी हैं। इसमें रेट्रोस्पेक्टिव व्यू नहीं लेंगे वो, जैसे कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव व्यू लेते तो वो हमारे आर्टिकल आर्टिकल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी अल्ट्रा वायस डिक्लेयर कर देते, लेकिन उन्होंने ये ऐसा नहीं किया था। सो फिर उसके बाद पहला कब हुआ था, गोलकनाथ में। फिर उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 13(4)(13)(4) आर्टिकल लेकर आए थे, और उसमें क्या लिखा था, नथिंग इन द आर्टिकल 13 शैल अफेक्ट द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द आर्टिकल 368। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और 13 जो सिटीजन्स का राइट था, जो बचाता था सिटीजन्स को स्टेट की ह्यूज पावर से, उसमें ही ये इंसर्ट करवा दिया कि कुछ भी अगर पार्लियामेंट ऐसा बनाएगी आर्टिकल, वो स्ट्रक डाउन नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब कि इनका यही एक्सप्लेनेशन निकलता है। गोलकनाथ जजमेंट जो होती है वो उसमें बायपास करवाई दी जाती है, क्योंकि गोलकनाथ जजमेंट जो आती है उसको बायपास किया जाता है यहाँ पे। और आर्टिकल 368 के पास अब अनलिमिटेड पावर्स है कि वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इसमें सिंपल सी एक लाइन बोली गई है, क्या, नथिंग इन दिस आर्टिकल 13 शैल अफेक्ट द अमेंडिंग पावर्स ऑफ द आर्टिकल 368, कि यहाँ पे आर्टिकल 368 सुप्रीम है, जो कि गलत बात है। तो अब इसको आगे देखते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस आके आता है हमारे पास, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस केस ने हमारी डेमोक्रेसी को बचाया था। कैसे बचाया था हमारी डेमोक्रेसी को? अब देखो, इंदिरा गांधी जी ने, लेडी इंदिरा गांधी ने क्या किया, गोलकनाथ जजमेंट के अंदर उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 13 को कोई भी वायलेट नहीं करेगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई भी टच नहीं करेगा। लेकिन जो इंदिरा गांधी लेडी इंदिरा गांधी ने अपना जो नेक्स्ट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए थे, उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि हम कुछ भी लेकर आएंगे, उसमें कोर्ट्स हमें कुछ नहीं कह सकते। तो केशवानंदा भारती केस के अंदर यहाँ से इस चीज को तोड़ा गया था। कैसे? कोर्ट्स के अंदर एक न्यू इनोवेशन हुई थी, इन्वेंशन हुई थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। उसमें ये कहना था, नाउ द रिजल्ट्स आर्टिकल 13 इज आर्टिकल 368 इज ग्रेटर देन आर्टिकल 13, बट आर्टिकल 368 कैन नॉट इज नॉट अनलिमिटेड इज नॉट अनलिमिटेड फ्रॉम द लिमिट सेट्स बाय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, आप इसको कोट भी कर सकते हो। देन इसके बाद हमारे पास जो छठा सिक्स्थ राउंड निकल के आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो निकल के आता है मिनर्वा मिल केस का। मिनर्वा मिल्स केस के अंदर आर्टिकल 368 टेकन अवे जुडिशियल मैडम इंदिरा गांधी लेकर आती हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसमें आर्टिकल 368 और 4 और 5 अटैच करे गए थे। उसमें उसमें ये लिखा था, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नो अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल बी चैलेंज एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसका कहने का क्या मतलब है कि कोई सा भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट जो भी निकालेगी, उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे कोर्ट्स का रोल ही हटाया जा रहा है। अगर आप कोई सा भी कानून बना रहे हो और उसमें कोई निगरानी नहीं रखेगा, तो वो तो एक डिक्टेटरशिप जैसा हो गया कि मैडम इंदिरा गांधी ने कोई सा भी कानून बना दिया और वो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है उसको, कोई भी, अगर वो गलत भी हो तब भी सही है। तो ये गलत चीज थी जिसके खिलाफ नानी पालकीवाला ने अपनी आवाज उठाई,
ग्रेट लॉयर ऑफ द इंडिया। फिर उसके बाद आता है हमारा मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसके अंदर इन्हीं दो आर्टिकल्स को चैलेंज किया गया था कि इन दो आर्टिकल्स ने कौन से हमारे से सिटीजन से जुडिशियल रिव्यू ले लिया गया है। और जुडिशियल रिव्यू एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन का। हेंस जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, सो सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन आर्टिकल 368, 4 एंड 5। सो तब से एक प्यारी सी स्टेटमेंट चलती हुई आ रही है, एवरीथिंग इज इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद हम एक नया केस पढ़ते हैं, 2016 आयर कोयल वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांगता है तो मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा। देखिए बात क्या है कि 1973, सॉरी 1973 में हमारे पास केशव नंदा भारती केस आया था, जिसने ये बताया कि जुडिशियल रिव्यू एक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के अंदर आता था। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव प्ले है या नहीं है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर 1973 से लेकर 2016 तक, 2006 तक सॉरी, जो भी केसेस आएंगे उसके लिए हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं। बट उससे पहले, क्योंकि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू एज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन था ही नहीं, तो उसके लिए हम डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हुआ हो, इस पार्ट में कुछ भी हुआ हो 1950 से, उसके लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ इसके आगे से लिया जाएगा। तो ये एज ए एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। गॉट इट? सो लेट्स फिनिश दिस।